वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी फेज 8 का जो एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट हुआ था अलग अलग लेवल पर, जैसे मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, साथ में ग्रेजुएट लेवल, इन सब का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2020 में, इसका ऑफिशियल आंसर्स की अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल साइट पे। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं वो ऑफिशियल साइट से अपना आंसर्स की मैच कर सकते हैं। ये आशुतोष रावत कैंडिडेट ने मुझे ये ऑफिशियल आंसर्स की का पीडीएफ सेंड किया है। ये इनका एग्ज़ाम था 6/11/2020 को, इनका फेज 8 हायर सेकेंडरी लेवल का लेवल के क्वेश्चन जो फॉर्म डाले थे उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग टोटल 25 GK/GS के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बना था जनरल अवेयरनेस के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रतिभा संपन्न छात्र छात्राओं के लिए नवाचारी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक पहल की शुरुआत की थी, इस पहल को डैश नाम दिया गया था। तो इस पहल का नाम था ध्रुव। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से कदांगी साड़ी से संबंधित है, जिसे 2019 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। तो वह राज्य है तमिलनाडु, ये यहाँ के कदांगी साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है 2019 में। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोल्डिहावा नामक प्राक ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में कोल्डिहावा नामक प्राक ऐतिहासिक स्थल स्थित है। क्वेश्चन फाइव देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नागर, वेसर और द्रविड़ शब्द नाम डैश से संबंधित है। तो ये संबंधित है मंदिर के वास्तुकला की शैलियों से, नागर, बेसर, द्रविड़। ये भारतीय संस्कृति के संदर्भ में नागर, बेसर और द्रविड़ शब्द मंदिर वास्तुकला की शैली से संबंधित है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान को खोरोष्टी लिपि के पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेपे को खोरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन सेवन देखिए, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो देखिए अकोंकागुआ बड़ा चढ़ाई करने वाली कौन है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर सबसे पहले कौन चढ़, सबसे युवा महिला का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये है काम्या कार्ती टीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे रक्षा संबंधी उपकरणों के संदर्भ में प्रिनाश एक डैश के नाम है। तो ये मिसाइल का नाम है प्रिनाश। क्वेश्चन देखिए 9, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है। तो बिहार सरकार ने ये किया है प्यार का पौधा अभियान शुरू। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालकता को मापने का SI व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये है साइमंस जो है ना, विद्युत चालकता को मापने का SI व्युत्पन्न मात्रक है। 11 देखिए, फरवरी 2020 में भारत के आधिकारिक दौर पर आए मार्शेलो रिबेलो डी साउसा किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति हैं, आर मार्सेला रिबेलो डी साउसा। क्वेश्चन देखिए 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समस्थानिक नहीं है, ऑप्शन लिथियम था, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। क्वेश्चन 14 देखिए,
उदयपुर के नाथवाड़ा में स्थित ऐतिहासिक श्री नाथ जी मंदिर को मंदिर डैश को समर्पित है, तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है श्री नाथ जी मंदिर। आप देखिए क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया के उपचार हेतु भारत में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है, तो उस दवा का नाम है हाइड्रोकैसी क्लोरोक्विन। अब देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है, तो झारखंड के साथ तो लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ तो लगता है, मध्य प्रदेश का साथ नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजधानी बनाया था, तो लाहौर को ना महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन 18 देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम के वायसराय। क्वेश्चन 19 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देशित करता है, तो यह है अनुच्छेद 50। यह है अनुच्छेद 50 जो राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने हेतु कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल डैश भारतीय विधि आयोग के गठन को अनुमोदित कर दिया, तो 22वें भारतीय विधि आयोग गठन को अनुमोदित कर दिया था फरवरी 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। क्वेश्चन 21 देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को वर्ष 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट चुना गया था, तो रानी रामपाल को 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट चुना गया था। क्वेश्चन 22 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत के एक महान कवि और नाट्यकार कालिदास की रचना नहीं है, तो देखिए विक्रमोर्वशी, मालविका, अग्नि मित्रम और मेघदूतम, ये तो कालिदास की रचना है, जबकि कृतार्जुनीयम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन 23 देखें, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं फेमस क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये कटक में स्थित है, इसका मुख्यालय कटक में है। क्वेश्चन 24 देखिए, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में कितने ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, तो 8 ग्रहों में 2 ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, कौन कौन, एक तो शुक्र है और एक मरकरी है। क्वेश्चन 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर नाम भूमि स्थल स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है रामसर नाम भूमि स्थल। तो ये रहा 25 क्वेश्चन जीके का, आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, और यदि आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि मैथ का क्वेश्चन इसका सॉल्यूशंस तो आप कमेंट्स कीजिएगा, वरना आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर्स भी लिखा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।